अच्छा बहुत अजीम भाई, ज्यादा यहाँ पर, बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे जहन में कभी कभार आता है कि बिलफॉर्स हम अमेजोन FBA करते हैं और वो प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में मतलब हो जाता है और रखवा दिया जाता है, लेट सपोज कि वो नहीं बिकता, एक हफ्ते नहीं बिकता, दो हफ्ते नहीं बिकता, 3 हफ्ते नहीं बिकता, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? मतलब अमेजोन क्या करता है, वो हमेशा तो नहीं उसको सेफ करके रखता होगा अपने वेयर हाउस में, उसकी उसका नहीं मैं स्पेस, उसका बोल उसने। अच्छा, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, फर्स्टली इस वक्त जो मेरे प्रोडक्ट्स उनके मार्केट प्लेस पे मौजूद हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग स्लो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग फास्ट। अब जो स्लो जा रहे हैं उनके मुझे बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट पड़ रही है। इन द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग, आई वाज आल्सो, जितनी मर्जी मैंने स्टडीज कर ली थी लेफ्ट राइट, बट इन द मीन टाइम है तो अमेजोन और मेरा मामला ना, मतलब वो मेरे साथ क्या डील कर रहे हैं, किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आई वाज अ लिटिल अमेज्ड के दे वर चार्जिंग मी वेरी नॉमिनली, 5 सेंट, 10 सेंट। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ, आज उन्होंने कोई 5 सेंट का चार्ज दिया, बिफोर दैट 10 सेंट्स का कोई चार्ज दिया था। मैं आपको प्रोडक्ट काउंट के बारे में अच्छा बता रहा हूँ। सही, तो मतलब आप ये कह लें कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स जल्दी निकल रहे हैं उनके, तो वो चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन आप ये समझ लें कि आपको 1000 नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर $1 $2 के करीब करीब हो आपको एक मंथ में सेल। इट मींस इट्स नथिंग। आप उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर शेल्फ सस्टेनिंग प्राइस जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर टेकिंग मच मोर स्पेस इन देयर शेल्व्स, हालांकि वो प्रोडक्ट काउंट वन ही है, वो 10 प्रोडक्ट्स शायद किसी दूसरी प्रोडक्ट के 1000 प्रोडक्ट के इक्वल स्पेस कवर कर रही है, उनके ऊपर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इन द मीन टाइम इट्स समथिंग फिजिकल। आपका एक वेयर हाउस है, अमेजोन की जगह अपने आप को रखो, आपकी शेल्व्स भरी हुई है उन चीजों से जिनके ऊपर आप मट्टी पड़ रही है, जगह घेरी हुई है, लेकिन नई प्रोडक्ट्स आ रही है, धड़ाधड़ बिक रही है। तो मैं, अगर आपने अमेजोन की जगह पे हो, तो आप कहोगे कि यार ये क्या है, ना बिक रहा है और इंतजार करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें तो एक कॉस्ट पड़ रही है, तो दे विल स्टार्ट पुटिंग दैट कॉस्ट ऑन यू। उस केस में शायद 1000 प्रोडक्ट्स पे $5 $10 भी हो जाए, इट हैपेंस। बट लेकिन मैंने बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स में अभी तक गया ही नहीं। बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स के कहने का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिस अकेली प्रोडक्ट का ही साइज कोई 2 फुट बाय 2 फुट हो, इतनी इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स, इतनी इतनी बड़ी में मैंने किया ही। छोटी छोटी प्रोडक्ट्स दे मेक गुड मनी, और कम वैल्यू की चीज़ें मैंने हमेशा ऐसे वर्किंग की है कि जिसका वेट कम हो, वॉल्यूम कम हो, प्रोडक्ट वैल्यू ज़्यादा हो। आई ऑलवेज डिड दैट और इट वर्क्स। उसको उठाया, यहाँ से वहाँ पे भेजा, लेकिन इन द मीन टाइम इसका मतलब ये नहीं कि लोकल मार्केट में वो जो लोकल मार्केट प्लेस से अगर कंपेयर किया जाए महंगा ही हो वो प्रोडक्ट, लेकिन मुझे तो अमेजोन एफ बी ए यूएस से, मेरे सिनेरियो की बात करूँ, आपके तो पी एस ए है, तो अमेजोन एफ बी ए के ऊपर या amazon.com के ऊपर द प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड, इफ that product compared to the product that I have in my hand is much more expensive or it's getting sold at a much higher rate as compared to the product which I have found in my own country, to phir main kya karunga, main use thumbs up keh dunga aur main kahunga ki yeah this product is right, let's ship this, to hum use bhej denge aur 2 se 10 kamayenge, 10 se 2 nahi kamayenge. तो इस सिनेरियो को बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है Amazon FBA के प्लेटफॉर्म पे। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस, डेली लाइव ट्रेनिंग सेशंस, और यू कैन कम टू आवर ऑफिस फॉर फेस टू फेस ट्रेनिंग सेशंस। काइंडली कॉल और व्हाट्सएप 0320004536.